हेलो एवरी वन वेलकम टू माई क्लास सो टूडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर टेन गुड मैनर्स तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम गुड मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फॉलो करने चाहिए अपने स्कूल में अपने घर में और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सो लेट्स बिगिन स्टोरी पढ़ने वाले हैं अग टाइम अ गो बहुत समय पहले अ लिटिल बच्चा एक बॉय एक, एक पार्क में जा रहा था इन द मिडल ऑफ द पार्क वॉज अ ट्री विद साइन ऑन इट पार्क के बीच में एक ट्री था जिसपे एक साइन था द साइंस सेट आई एम अ मैजिक ट्री से मैजिक वर्ड्स एंड यू विल सी तो उस ट्री पे क्या लिखा था उस पर लिखा था कि आप मुझसे मैजिक वर्ड्स बोलिए और मैजिक देखिए देन वॉट हैपेन्ड द बॉय ट्राइड टू गेस द मैजिक वर्ड्स उसने कुछ मैजिक वर्ड्स ट्राई किए गेस किए ही ट्राइड आबरा कडरा गिली गिली गो खुल जा सिम सिम तंत्र एंड मैनी मोर बट नन ऑफ दैम वर्ड उसने ये सारे वर्ड्स यूज किए बिकॉज ये मैजिकल वर्ड्स बोले जाते हैं बट नथिंग वर्ड इसमें से किसी ने भी काम नहीं किया एग्जॉस्टेड वो थक गया ही थ्र्यू हिम सेल्फ ऑन द फ्लोर सेंग प्लीज डियर थ्री वो थक गया और वो फ्लोर पर लेट गया और उसने बोला प्लीज डियर थ्री एंड सडनली और फिर अचानक क्या हुआ बिग डोर ओपन इन द ट्रंक उसका जो ट्रंक होता है उसमें एक बड़ा सा डोर ओपन हो गया इन साइड एवरीथिंग वॉज डार्क एक्सेप्ट फॉर अ साइन विच सेट कैरी ऑन विद योर मैजिक तो उसके उस डोर के अंदर में सब कुछ डार्क था बस उसमें एक साइन था जिसपे लिखा था कि आप अपना मैजिक कैरी रखिए देन वॉट हैपन देन द बॉय सेट थैंक यू तो बॉय ने बोला थैंक यू डी अर ट्री विद दिस द इनसाइड ऑफ द ट्री लिटअप ब्राइटली एंड रिवील्ड अ पाथवे लीडिंग टू ग्रेट बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स तो जैसे ही उस बॉय ने थैंक यू बोला उसका जो इनसाइड पार्ट था जहाँ पे अंधेरा था डार्क था वहाँ वो लिटअप हो गया यानी कि चमकने लगा और वहाँ पर लाइट जल गई और उसको एक ऐसा रास्ता दिखाई दिया जो जा रहा था पाइल ऑफ टॉयज़ में जहाँ बहुत सारे टॉयज़ थे एंड चॉकलेट्स सी है ना तो वो ट्री के अंदर उसने एंटर किया जहां पे बहुत सारे टॉयज़ थे चॉकलेट्स द लिटिल बॉय ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक ट्री फिर उस बॉय ने क्या किया वो अपने सारे फ्रेंड्स को उस मैजिक ट्री के पास लेकर आया एंड दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी की दिस इज वाई पीपल ऑलवेज से दैट प्लीज एंड थैंक यू आर मैजिक वर्ड्स सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड जिसके वजह से कहा जाता है कि प्लीज एंड थैंक यू क्या है ये मैजिक वर्ड्स हैं मैजिक वर्ड्स क्यों हैं बिकॉज इनसे हम किसी को भी हैप्पी कर सकते हैं और हम भी हैप्पी हो सकते हैं तो हमें हमेशा इन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए देर आर सम मोर मैजिक वर्ड्स लाइक तो इनके अलावा भी कुछ मैजिक वर्ड्स हैं जैसे कि हेलो हाओ ए यू तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें उनसे उनका हाल चाल पूछना चाहिए तो हम उनसे बोल सकते हैं हेलो हाउ आई यू हेलो हाउ डू यू डू गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट सॉरी एक्सक्यूज़ मी थैंक यू सो दीज आर

तो अब हम कुछ और गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें लवेबल बनाती है दे आर ऑलवेज कीप स्माइलिंग हमें हमेशा अपने फेस पे स्माइलिंग हमारा फेस हमेशा स्माइलिंग होना चाहिए हमारे फेस पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए से थैंक यू वेन एवर समन गिव्स यू समथिंग आपको जब भी कोई कुछ दे रहा है तो हमें हमेशा उसको थैंक यू बोलना चाहिए से वेलकम वेन समवन सेज थैंक यू टू यू और जब आपको कोई थैंक uh, यू बोलता है तो आपको उसको वेलकम बोलना चाहिए से प्लीज वन यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड से प्लीज से सॉरी वैन यू हर्ट समवन अगर आपकी आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है किसी को आप हर्ट करते हो तो आपको सॉरी बोलना चाहिए say it's okay when someone says sorry to you और अगर आपको कोई sorry बोल रहा है किसी reason से किसी से कोई mistake हो गई और अगर वो आपसे sorry बोल रहा है तो आपको बोलना चाहिए it's okay other good manners what are the other good manners always speak softly and politely हमें हमेशा बहुत ही softly and politely बोलना चाहिए पोलाइटली वो पोलाइट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज़ मी हमें अगर किसी से कुछ बोलना है या कुछ हटने के लिए कहना है तो हम उससे एक्सक्यूज़ मी कहते हैं ऑलवेज ग्रीट एवरी वन विद अ स्माइल और आप जब भी किसी से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्ते कुछ भी करते हैं तो हमेशा स्माइल के साथ ग्रीट करना चाहिए Be obedient to your parents and teachers always. आपको हमेशा अपने parents और teachers की बात माननी चाहिए, उनके instructions को follow करना चाहिए. Be punctual at your at school. Always do your work on time. और हमेशा अपना work में punctuality होनी चाहिए. आपको अपना काम हमेशा time पे कर लेना चाहिए. आपको school time पर पहुंचना चाहिए. अपना homework time पे submit कर लेना चाहिए. ऑलवेज वॉक इन लाइन इन साइड द स्कूल बिल्डिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स आप जब भी स्कूल से बाहर जा रहे हैं स्कूल में चल रहे हैं तो आपको एक लाइन में जाना चाहिए वेट फॉर योर turn टू स्पीक और रेज योर हैंड विच शोज दैट यू वॉन्ट टू से समथिंग क्लास में अगर आपको कुछ बोलना है तो यू शुड रेज योर हैंड डू नॉट शाउट इन द क्लास क्लासरूम में आपको शाउट चिल्लाना नहीं चाहिए डू नॉट वेस्ट पेपर आपको पेपर कभी भी वेस्ट नहीं करने चाहिए शेयर थिंग्स विद अदर्स हेल्प योर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ आपको अपनी थिंग्स को शेयर करना चाहिए उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर किसी के पास पेंसिल नहीं है तो आप उसको पेंसिल दे सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन और आप जो भी आपका गार्बेज निकलता है उसको आपको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए एट होम अरेंज योर थिंग्स लाइक स्कूल बैग शूज़ पॉटल एसेट्रा इन द प्रॉपर प्लेस घर में आपको अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहिए जैसे कि स्कूल बैग शूज़ पॉटल जो भी चीज़ें आप यूज़ करते होल्प योर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क आपको अपनी मदर की किचन में हेल्प करनी चाहिए और या कोई भी वर्क वो घर पर करती हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए जो आप कर सकते हो गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड बेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग और आपको रात में जल्दी सोने जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एन एनिमल्स लव दम आपको अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स की केयर करनी चाहिए और उनसे बहुत सारा प्यार करना चाहिए सो हेअर आर चैप्टर कंप्लीट आई होप यू हैर्न सो मैनी गुड मैनर्स थैंक यू